प्लीज़ वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। उन लोगों का मैं लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड करती हूँ जो अब तक सब्सक्रिप्शन में बने हैं, यानी कि सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया क्योंकि मैं रीडिंग नहीं ला रही थी, थोड़ा मेरा हेल्थ इश्यूज़ था डियर, इसके वजह से। अभी मैं ठीक हूँ, इसके लिए मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। और जो लोग भी अनसब्सक्राइब नहीं किए अब तक मेरे साथ हैं जुड़े हुए, उनके लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं क्या है। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर ले अगर आप शॉर्ट रीडिंग देखना पसंद करते हैं तो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ऐश्वर्या टैरो, तो ऐश्वर्या टैरो इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसे ज़रूर फॉलो कर ले। मैं वहाँ डेली शॉर्ट रीडिंग डालती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ भी मैं डालूँगी। यानी अभी कंटिन्यू काम करना है क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने रेस्ट लिया है हेल्थ इश्यूज़ के वजह से। तो आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं क्या हैं, क्या हैं आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं? तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की सच्ची भावनाएं क्या हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डेस्टिनी है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं ओवरवेल्म्ड है। रिमिनिशिंग है। आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं फॉरगिवनेस। सच्ची भावनाएं एस्केप है। रेसिप्रोकेशन एब्सेंस। एंड मिस्टेक है। बॉटम ऑफ द डेक है रीयूनियन का कार्ड है। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है आपसे रीयूनियन ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन वाली भी एनर्जी है। आपके पर्सन रिफ्लेक्ट जरूर कर रहे हैं। अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएसन है, आपके पर्सन रीयूनियन चाहते हैं। अगर बातें हो भी रही हैं तो भी इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। जिन लोगों की बातें हो रही है, जिन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा है, उनके लिए मैसेजेस है। आपके एब्सेंस को बहुत मिस करते हैं। एंड अगर आप दोनों बातें भी कर रहे हैं तो भी आप दोनों, आपके पर्सन आपके प्यार में बहुत ज़्यादा डीप जा चुके हैं। जो लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रेसिप्रोकेशंस की कमी रही होगी, इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने टाइम और एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में नहीं लगाया, जिसके वजह से आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ। अब आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। आपके साथ वो अपनी डेस्टिनी देखते हैं, आपके साथ वो इस जीवन को जीना चाहते हैं, बूढ़े होना चाहते हैं। एंड जो भी उन्होंने मिस्टेक्स की है पास्ट में, उन गलतियों को वो दोहराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको अब इस बात की रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है कि उन्होंने कुछ गलती तो किया है आपके साथ। तो चलिए हम कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हुए आपको एक्सप्लेन करते भी चलते हैं। तो डेस्टिनी की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। डेस्टिनी क्यों है? आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन दो सिचुएशन में स्ट्रक हो सकते हैं। तो डेस्टिनी की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। डेस्टिनी की एनर्जी क्यों है? फाइव ऑफ
वेंस की एनर्जी है, तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, एंड जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जहाँ आपके पर्सन जो हैं उन्हें ऐसा लगता है कि डेस्टिनी के वजह से आप दोनों जो हैं ऐसी सिचुएशन में आ गए, एंड इसके वजह से इनका फोकस जो है कहीं ना कहीं ये खुद के फैमिली फ्रेंड्स के ऊपर फोकस तो ज़रूर है, लेकिन वो वहाँ बोर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा है कि आप दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही हैं, क्योंकि उन्होंने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही इस रिलेशनशिप को उन्होंने ना ही इस रिलेशनशिप में उन्होंने काम किया है, जिसके वजह से सिचुएशन जो है आप दोनों के बीच में ख़राब हुई होगी। तो यहाँ एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है। ओवर ब्लेम की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द स्ट्रेस फ्रॉम द दिस इज़ ड्रेनिंग मी, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं। क्लैरिफाई करें यूनिवर्स ओवर ब्लेम को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इश्यूज ज़रूर हो सकता है। उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेज आपसे किए होंगे कि वो आपको आपके साथ मैरिज करेंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे, ये सारे कमिटमेंट जो है उन्होंने आपको पास्ट में आपके साथ किए होंगे, या आपके साथ जो प्रॉमिसेज उन्होंने किए हैं कहीं ना कहीं वो निभा नहीं पा रहे हैं, इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होंगे, जिसके वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर फाइनेंस उनके बीच में आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रोड़े अटका रहे हैं। तो क्योंकि अगर फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ स्लो मूविंग एनर्जी है, तो धीरे धीरे ही सही आएंगे ज़रूर अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं तो। अगर ऐसा नहीं है तो आपके साथ जो रिश्ता है उनका उसे वो लॉन्ग टर्म कैसे लेके जाएं, आपको कमिटमेंट वो कैसे दें, इसी के बारे में सोच सोच कर ये पर्सन जो है परेशान ज़रूर हो रहे हैं। यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। रेमिनिसिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। आई मिस आर इनसाइड जोक्स, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं आपके साथ बूढ़े जरूर होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वो आपके साथ चाहते हैं। यहाँ डेविल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो बूढ़े ज़रूर होना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में चाहे दूरियां हो, चाहे आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट हो, या किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन है जहां आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप दोनों ने ब्लॉक कर दिया है, या आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया है, या थर्ड पार्टी हो, या आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, अब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, अब आपने थोड़ा पेशेंस पकड़ के रखा है, क्योंकि ये सिचुएशन हो सकता है पूरी तरह से डेथ की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है, या नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, या फिर आपने अपने आप को बदलने को सोचा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस ज़रूर है एंड बहुत ज़्यादा फियरफुल भी हैं कि क्या वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। चाहते तो ज़रूर हैं कि वो आपके साथ ही बूढ़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्सेशन कह सकते हैं, अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है तो, या फिर दूसरे का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप या फाइनेंस करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, इसके वजह से आपके पर्सन जो हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आप दोनों ने पेशेंस बना के रखा है, या इस पर्सन ने पेशेंस बना के रखा है, यहाँ आप दोनों की सिचुएशन ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं एक इंसान ने अपना बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है और दूसरा इंसान ने सिर्फ लिया है, जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं स्ट्रक हो सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स ने रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है, इसके वजह से डिवाइन जो है डिवाइन इंटरवेंस हो सकता है कि यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बस अब रुक जाए, अब रुक जाए, अब अपने आप को खाली ना करें।
यहाँ कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सेजिटेरियस हो सकते हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। फॉरगिवनेस क्यों है? आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। फॉरगिवनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। तो यहाँ नाइट ऑफ किंग ऑफ वैंस की एनर्जी है एंड द नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं बहुत जिद्दी टाइप के इंसान हैं, अगर वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, अगर वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ईगो ही हो सकता है जो बीच में आ रहा है, और वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जिसके भी ये पर्सन जो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी अभी तो नहीं है, जिसके वजह से ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। और अगर इन्होंने कुछ गलती ज़्यादा करके रखी है, यानी इन्होंने टाइम और एनर्जी आपको नहीं दिया है, और वो भी थर्ड पार्टी के वजह से हो सकता है, तो ये आपके साथ जो है ये आपके साथ हमेशा फ्लटरी रहे हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन इन्होंने हमेशा क्रिएट किया है, हमेशा ये जब चाहते हैं रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जब चाहते हैं रिलेशनशिप से भाग जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ किंग ऑफ वैंस की एनर्जी आई है। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे किंग आते, लेकिन किंग ऑफ वैंस ये एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं रिलेशनशिप में। आपसे सामने आकर ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनकी स्लीपलेस नाइट है। लेकिन ये भी ये बताता है कि ये नॉन कमिटल इंसान है, मीन्स कमिटमेंट से ये भागते हैं, ऐसे इंसान है। हो सकता है कि मैरिड इंसान भी हो सकता है कि ये बहुत ही ट्रेडिशनल इंसान हो, बहुत ही अपने इंडिपेंडेंस में रहना ज़्यादा पसंद करते हों, यानी कि इनको कमिटमेंट फ्री ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके वजह से, क्योंकि यहाँ भी वही कार्ड आया है, कैसे वो कमिटमेंट निभाएंगे अगर उन्होंने वादे किए हैं तो, और अगर इन्होंने हमेशा जो है ऑन ऑफ सिचुएशन आपके साथ रखा है, इसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होंगे। ये चाहते हैं आप उनकी लाइफ में रहें, लेकिन ये चाहते हैं कि वर्क जो है इस रिलेशनशिप में ओनली फॉर यू, मीन्स आप ही सारा काम करेंगे इस रिलेशनशिप में, बाकी ये तो सिर्फ लेंगे। ये टेकर की एनर्जी में है और आप एक गिवर की एनर्जी में। स्केप की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो है इस सिचुएशन को छोड़कर भाग गए हैं। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको जब सिचुएशन हार्ड लगा, आपको लगा कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, तो आप भी जो है डिटैच हो गए, आप इनको चेज नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में ज़रूर है। और अगर ऐसा नहीं है, उन्हें तो लगता है कि आप ही भाग गए हैं, यानी आप ही इस रिलेशनशिप से बैक स्टेप कर लिया। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर तो डेफिनेटली भाग गए होंगे, जब देखा कि सिचुएशन थोड़ा हार्ड हो रहा है, आप कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप टाइम मांग रहे हैं, तो ये पर्सन जो है आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और ये चले गए। मीन्स इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया होगा, और ये कहीं ना कहीं अपनी खुशियों के वजह से। आपके पर्सन अगर आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं बहुत सेल्फिश टाइप के इंसान यहाँ दिख रहे हैं, जो भी कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ। सेल्फिश टाइप के इंसान हैं, खुद का ज़्यादा सोचते हैं, और आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते, सोचते हैं, लेकिन उतना नहीं सोचते हैं, फर्स्ट अपना खुद का सोचते हैं। और सेल्फिश होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद अच्छे रहेंगे तभी आप दूसरे को अच्छा रख सकते हैं, खुद खुश रहेंगे तभी दूसरे को खुश रख सकते हैं। तो आपको भी इस टाइम पे सेल्फिश होना ही चाहिए, क्योंकि आपको अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड अपना बोलते ना कि अपने मेंटल पीस के लिए जो सही है आपके लिए वही डिसीज़न लेना चाहिए, चाहे दुनिया चाहे कुछ भी कहे, चाहे आपके पार्टनर कुछ भी समझे, आपको अपने ऊपर फर्स्ट ध्यान रखना ज़रूरी है। रेसिप्रोकेशन के कार्ड को क्लेरिफाई करें। आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। रेसिप्रोकेशन की एनर्जी को क्लेरिफाई करें इनवर्स। तो नाइन ऑफ वैंस की एनर्जी है एंड द सेवन ऑफ वैंस की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में एक कार्ड और रेसिप्रोकेशन की एनर्जी को क्लेरिफाई करें इनवर्स। थ्री ऑफ वैंस,
कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टेंशन वाली सिचुएशन बनी है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत डिफेंसिव है, क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर के लाइफ में दो डिसीजन लेना है। रियलाइजेशन ज़रूर है कि उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, समय आने पर ही वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो जब तक आप इनके लाइफ में नहीं हैं या जब तक आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये आगे बढ़ के कुछ नहीं अभी करना चाहते हैं, क्योंकि ये जब समय आएगा, इनको रियलाइजेशन है, जब ये अपने मेंटल स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, जब आपके साथ वो रहेंगे, तब वो आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं। अगर आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी स्ट्रांग है यानी स्पाउस है, तो आप तो है, मैं यही आपको, अगर इनके लाइफ में स्पाउस है, अगर ये पर्सन मैरिड है, तो मैं आपसे एक ही गाइडेंस दूंगी रीडिंग के थ्रू, क्योंकि जैसी रीडिंग्स आई है उसके थ्रू मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि आप जो है इक्वल गिव एंड टेक अगर इंसान करता है, तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे आगे बढ़ें, अदरवाइज जो है अपनी एनर्जी को बैक स्टेप कर लें। जितना सामने वाला देता है उतना ही आप दें, अदरवाइज़ आप जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या फिर मेंटल पीस को आप जो है खुद को डिस्टर्ब करेंगे, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेंगे। और जो लोग थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं, माय डियर पेरेंट्स हैं, तब भी आपको अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करना है और रिलेशनशिप में तभी ज़्यादा कंटिन्यू करना है जब सामने वाला कुछ कर रहा है। तो सामने वाले को ज़्यादा वर्क करने देना है, तब आप, सामने वाला 4 एफर्ट्स लगाता है तब आप 1 एफर्ट्स लगाइए, सामने वाला 5 एफर्ट्स लगाता है तब आप 1 से 2 एफर्ट्स लगाइए। ऐसे काउंटिंग रखिए जिससे कि आपका मेंटल पीस बना रहे। नहीं तो लास्ट में यही होता है कि जब आप नो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत प्यार किया है, मैंने बहुत ये किया। और प्यार भी करें तो थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करके करें, क्योंकि प्यार, मैं एक दिन कभी डिटेल से बताऊंगी कि ये प्यार क्या है और प्यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी एक सिचुएशन ही है आपके लिए। प्यार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं एक दिन डिटेल्स में आपको कभी किसी वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन आपको सोचना भी, दिमाग भी यूज़ करना है। विदाउट दिमाग यूज़ किए ना आप मेंटल इलनेस ही देंगे बस, और कुछ नहीं मिलने वाला है। एब्सेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपके प्यार को डेफिनेटली मिस करते हैं, यानी कि अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके प्यार को, क्योंकि आपने शुरू में आपने बहुत प्यार दिया इस पर्सन को, अनकंडीशनल प्यार दिया है, और ये पर्सन ने आपको उसके बदले कुछ उतना नहीं दिया है, जिसके वजह से आप दोनों में आज नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है। या अगर आप इस इनके साथ रिलेशनशिप में अब भी हैं, आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी कर रहे हैं, तो भी आपके पर्सन इस प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि आपने इन पर्सन को प्यार बहुत दिया है। अब जो है उन्हें ऐसा लगता है ये प्यार जो है ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप दोनों के बीच में टाइमिंग इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्यार जो है ना अब बहुत मिस करते हैं। मिस्टेक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मिस्टेक्स द लवर्स एंड द मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, उन दोनों उस कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने गलती की है, क्योंकि आपसे ये प्यार बहुत करते हैं, लेकिन प्यार में उन्होंने गलतियां भी बहुत की है। अब वो आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड तो ज़रूर फील करते हैं, एंड डेफिनेटली वो आपके साथ आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इस प्यार में, इस ऑप्शंस में आपके साथ उन्होंने सही नहीं किया है, इसका कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रियलाइजेशन ज़रूर है।
कि प्यार वो आपसे करते हैं, अट्रैक्शन वो आपसे फील करते हैं, लेकिन किसी भी वजह से उस प्यार में उन्होंने जो भी मिस्टेक किया हो या आपको अच्छे से पता है, उसके वजह से आप इनके लाइफ में नहीं हैं एंड वो आपके अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट चाहते हैं करना, एंड वो जब चाहें वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैजिशियन की एनर्जी थी। रीयूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें इनवर्स रीयूनियन। सिक्स ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स एंड तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं, चाहते हैं पीस, आपकी तरफ ज़रूर आना चाहते हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी करते हैं एंड वहीं आपको सॉरी भी ये कहेंगे, यानी सोशल मीडिया पे ही आपको सॉरी कहेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आकर आपके साथ सॉरी कहेंगे। आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनेटली हो सकता है। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फायरी ज़रूर है, बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पैशन वो आपकी तरफ फील करते हैं एंड डेफिनेटली वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे एंड आपको आपसे वो सॉरी भी ज़रूर कहेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, जेमिनाई हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, तो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की भी एनर्जी है एंड एरीज लियो सेजिटेरियस की भी एनर्जी है। तो इनके मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू नो आई नीड यू, तो कहना यह है कि आपको पता है कि आपकी ज़रूरत है इस पर्सन को। आई कैन स्टिल फील यू, I want to be friends with you। तो अगर आप रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते तो आपके साथ फ्रेंड बन के भी रहना चाहते हैं। योर लव अवेकन माई सोल, तो आपके प्यार ने इनके सोल को अवेकन किया है। यू आर माई मून एंड नो वन कैन जम्प एंड टच द मून, तो आप इनके लिए चांद और सितारे हैं जिसे कोई नहीं छू सकता है। यू आर माई ब्लड एंड आई एम ऑब्सेस विथ यू, आई कॉन्ट लिव विदाउट यू, तो आपके बिना ये नहीं रह सकते, यही वो आपसे कहना चाहते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड एवरीवन।